गट्टू और चिंकी ने बनाया सैंड कैसल। आज सुबह से ही गट्टू और चिंकी बहुत एक्साइटेड थे। आज स्कूल का लास्ट डे था और इसके बाद दोनों की समर वेकेशन शुरू होने वाली थी। वैसे तो उन दोनों का मन आज से ही खेल कूद में लगा हुआ था और स्कूल जाने का तो बिल्कुल भी नहीं था, पर मम्मी ने दोनों को समझाया कि उन्हें आज तो स्कूल जाना ही पड़ेगा क्योंकि आज उन्हें समर वेकेशन का होमवर्क मिलेगा जिसे वो बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। चलो गट्टू, जल्दी से रेडी हो जाते हैं क्योंकि स्कूल की बस आने वाली होगी। हाँ चिंकी, आज का दिन जल्दी से बीत जाए और हम लोग जल्दी से स्कूल जाकर वापस आ जाए। मुझसे तो अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल ही नहीं हो रही। हाँ सच में, कितना मजा आएगा ना। कल से हम दोनों मिलकर दिन भर खेल कूद करेंगे, मम्मी के बनाए हुए टेस्टी टेस्टी स्नैक्स खाएंगे और शाम को साइकिल चलाते हुए आइसक्रीम खाने भी जाएंगे। और क्या, सच में बहुत मजा आएगा। चलो चलो जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों फटाफट तैयार होते हैं और पीछे से मम्मी की आवाज़ आती है। गट्टू चिंकी, आओ आकर अपना नाश्ता कर लो, स्कूल की बस आती ही होगी। दोनों जल्दी से मम्मी के पास जाते हैं और नाश्ता करते हैं। मम्मी ने दोनों के फेवरेट सैंडविच बनाए थे। वाह मम्मी, मजा आ गया, सच में बहुत ही टेस्टी बनाए सैंडविच। हाँ मम्मी, गट्टू सही कह रहा है, सैंडविच सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनाए। हमें लंच में भी यही दे देना, हम स्कूल जाकर अपने दोस्तों को खिलाएंगे, उन्हें भी ये सैंडविच बहुत अच्छा लगेगा। मम्मी दोनों की बातें सुनकर मुस्कुरा देती है और कहती है कि उसने लंच में खूब सारे सैंडविचेस रख दिए हैं। गट्टू और चिंकी नाश्ता करके स्कूल बस के आने का वेट करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में उन्हें अपनी स्कूल की बस आते हुए दिखाई देती है। दोनों बस में बैठकर चले जाते हैं। स्कूल पहुंचकर उन दोनों को पता चलता है कि सब बच्चे उन दोनों की तरह ही एक्साइटेड थे। सब बच्चे साथ में बैठकर बातें करने लगते हैं कि वो अपनी छुट्टियां कैसे मनाने वाले हैं। मैं तो छुट्टियों में अपने मामा के घर जाऊंगा और बहुत मजे करूंगा। मैं तो घर पे ही रहूंगा पर दिन भर अपने दोस्तों के साथ खेलूंगा और टीवी देखूंगा। मैं तो रोज शाम को साइकिल चलाने जाऊंगा और दिन भर मम्मी के हाथ का टेस्टी टेस्टी खाना खाऊंगा। फिर तो जब तुम स्कूल खुलने पर वापस आओगे तो गट्टू से मोटू गट्टू बन जाओगे। सब बच्चे बनने की बात पर एक साथ हंस देते हैं। तभी टीचर क्लास में आ गई और क्लास शुरू हो गई और सब बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करने लगे। थोड़ी देर बाद स्कूल में लंच ब्रेक हुआ और गट्टू चिंकी साथ में बैठकर अपना लंच कर रहे थे। तभी चिंकी ने देखा कि एक चींटी बार बार टीचर की टेबल पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। थोड़ा सा ऊपर पहुँच कर वो धड़ाम से नीचे गिर गई। इसके बाद भी उसने अपनी हार नहीं मानी और दोबारा टेबल पर चढ़ने लगी। चिंकी ने ये सब गट्टू को भी दिखाया। उस चींटी ने लगातार 15 से 20 बार कोशिश की और इस वजह से बहुत चोट भी खाई, पर आखिर में उसे सफलता मिल ही गई। चिंकी ये देखकर बहुत खुश हुई कि आखिरकार छोटी सी चींटी टेबल पर पहुंच गई। तब तक टीचर क्लास में आ गई। उन्होंने गट्टू और चिंकी को ऐसे अपनी टेबल की तरफ इतने ध्यान से देखते हुए देखा तो पूछा, गट्टू चिंकी, तुम दोनों मेरी टेबल की तरफ इतने ध्यान से भला क्यों देख रहे हो? गट्टू ने पूरी बात टीचर को बताई। ओ तो बताओ। गट्टू और चिंकी सोच में पड़ गए। वो तो बस उस चींटी को देख रहे थे, इसमें भला सीखना क्या था? मैं बताती हूँ, उस छोटी सी चींटी से हमें ये सीखना चाहिए कि चाहे जितनी ही मुश्किल क्यों ना आ जाए और भले ही हमें कितनी ही बार हार का सामना क्यों ना करना पड़े, हमें लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। आखिर में हमारी कोशिश ही हमें जीत तक पहुंचाती है। गट्टू और चिंकी टीचर की बात को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। स्कूल की छुट्टी हो गई और दोनों घर वापस आ गए। घर वापस आते ही दोनों ने अपनी शैतानियां शुरू कर दी और थोड़ी ही देर में दोनों साइकिल लेकर खेलने निकल गए। बताओ चिंकी, सबसे पहले कहाँ चलें? चलो पार्क चलते हैं, वहाँ बाकी बच्चे भी मिलेंगे, सब साथ मिलकर खेलेंगे। चलो बहुत मजा आएगा। इतना कहकर दोनों पार्क की तरफ चल पड़े। पार्क के बीचों बीच एक बड़ा सा गोल एरिया था जिसमें बहुत सारी सैंड भरी हुई थी। बच्चे अक्सर इस सैंड से तरह तरह के शेप्स और कैसल बनाया करते थे। कुछ बच्चे इसी सैंड में उंगलियों से अपना नाम बना रहे थे। गट्टू और चिंकी भी उन बच्चों के साथ मिलकर खेलने लगते हैं। तभी वहाँ बन्नी आ जाता है और सब बच्चों को परेशान करने लगता है। बन्नी बहुत ही जिद्दी था और अक्सर बाकी बच्चों को बिना वजह परेशान किया करता था।
मैं अकेला यहाँ खेलूंगा, हटो तुम सब यहाँ से। क्यों भला, तुम अकेले क्यों खेलोगे? ये पार्क तो सारे बच्चों के खेलने के लिए है, इस पर सबका बराबर का अधिकार है। बन्नी गट्टू की बात को अनसुना कर देता है और खेलने चला जाता है। गट्टू को उस पर बहुत गुस्सा आता है और उन दोनों की बहस शुरू हो जाती है। आखिर में बन्नी गट्टू से कहता है, देखो गट्टू, अगर तुम चाहते हो कि मैं सब बच्चों को यहाँ खेलने दूँ तो तुम्हें मुझे सैंड कैसल कंपटीशन में हराना होगा। जिसका सैंड कैसल ज्यादा सुंदर होगा वही जीतेगा। सारे बच्चे गट्टू की तरफ बड़ी उम्मीद से देखने लगते हैं और गट्टू कुछ सोच में पड़ जाता है। क्या हुआ गट्टू, डर गए क्या? अगर डर गए हो तो जाओ यहाँ से और मुझे खेलने दो। ठीक है मैं तैयार हूँ। गट्टू, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरो मत चिंकी, हमें हमेशा बहादुर बनकर रहना चाहिए। हम बिना लड़े ही कैसे हार मान ले। चलो साथ मिलकर इस शरारती बनी को हराते हैं और सबक सिखाते हैं। गट्टू की दी हुई हिम्मत के साथ चिंकी भी उसके साथ सैंड कैसल बनाने में लग गई। दोनों बहुत मन लगाकर अपना सैंड कैसल बना रहे थे और उनका सैंड कैसल दिखने में बहुत ही प्यारा लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ बन्नी का सैंड कैसल कुछ खास नहीं लग रहा था। उसने जब देखा कि गट्टू और चिंकी का सैंड कैसल इतना सुंदर बन रहा है तो उसे एक शैतानी करने की सूझी। उसने गट्टू को जानबूझ के गिराने की कोशिश की और गट्टू का पैर स्लिप होकर गलती से अपने सैंड कैसल पर ही धड़ाम से गिर पड़ा और उनका सैंड कैसल एकदम चकनाचूर हो गया। अरे गट्टू, माफ कर देना मुझे, गलती से मेरा पैर फिसल गया और तुम्हें धक्का लग गया। गट्टू को पता था कि ये सब बन्नी ने जानबूझ के किया था, लेकिन उसने उससे कुछ भी नहीं कहा क्योंकि वो झगड़ा नहीं करना चाहता था। गट्टू और चिंकी का इतनी मेहनत से बनाया हुआ सैंड कैसल एकदम बर्बाद हो गया था। चिंकी की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगी। रो मत चिंकी, अभी भी हम इसे ठीक कर सकते हैं, हमारे पास अभी समय बचा है। नहीं गट्टू, अब ये पहले जैसे नहीं होगा, ये बिल्कुल टूट चुका है। कैसी बातें कर रही हो चिंकी, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। याद नहीं है सुबह टीचर ने हमें क्या समझाया था? चिंकी बहुत ध्यान से गट्टू की बात सुनने लगी। यही कि चाहे जितनी ही मुश्किल क्यों ना आ जाए और भले ही हम कितनी ही बार हार का सामना क्यों ना करें, हमें लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। आखिर में हमारी कोशिश ही हमें जीत तक पहुंचाएगी। याद करो कि कैसे उस छोटी सी चींटी ने हार नहीं मानी और इतनी बार गिरने के बाद भी वो टेबल तक पहुँच ही गयी। भले ही हमें अभी हार का सामना करना पड़ा है, पर हमें फिर से कोशिश करनी ही होगी। चिंकी को गट्टू की इस बात से एक नई हिम्मत मिल गई और दोनों फिर से मिलकर एक नया सैंड कैसल बनाने में लग गए। दोनों ने खूब मेहनत करी और बिना रुके अपना नया सैंड कैसल बनाते रहे। थोड़ी देर में उनका नया सैंड कैसल तैयार हो गया और वो बन्नी के कैसल से बहुत ज्यादा सुंदर था। सब बच्चों ने उनके नए सैंड कैसल की खूब तारीफ की और वो दोनों भी अपने नए कैसल को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। बन्नी ने अब चुपचाप अपनी हार मान ली क्योंकि दूसरा कोई रास्ता बचा नहीं था। उसने सबसे माफी मांग ली और सब बच्चे फिर से साथ मिलकर खेलने लगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।